हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। वेलकम टू बैक माय चैनल। किद्दा तुसी सब? मैं उम्मीद करती तुसी सब ठीक होवोगे। ते तुसी टाइटल और थंबनेल देके समझ गए हो कि वीडियो अजे मैं किस बेस ते लैके आई हाँ। अज कोई रेसिपी कोई ब्लॉग नहीं लैके आई मैं अपने चैनल ते। मैं अपनी अपनी जिंदगी दे कुछ अहम पार्ट तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ। भी मैं तुहानू अपनी जर्नी दसन लगी हाँ अपनी, क्योंकि उस टाइम मैं यूट्यूब नहीं चलाउंदी। मैं यूट्यूब को 5-6 महीने हो गए चलाउंदी नूं। वो मेरी उस तो पहले दी जर्नी आ। ते मैं तुहानू दसदी हाँ कि मेरा वेट सी 85 kg, हुण मेरा वेट आ 59 kg। वीडियो विच कई वारी लगदा है ना कि वेट ज़्यादा आ, कपड़े कई बार ढिले पाए होंदे आ, पर मेरा 59 kg वेट आ। मेरा वेट ओना ही आ। अज मैं तुहाडे नाल अपनी वेट दी जर्नी शेयर करांगी भी मैं अपना वेट किद्दा घट किया ते किद्दा मेरा वध्या सी, की रीजन सी जिस करके मेरा वेट वध्या सी, ते की मुश्किलों का मैनू सामना करना पिया। ठीक है जी, जेकर तुसीं तुहानू मेरी ये गल्लां चंगीआं लगीआं होणगीआं, मेरी कुछ लाइफ दा पार्ट चंगा लगा होएगा, तुसीं इस वीडियो नूं जरूर लाइक करना, चैनल नूं सबसक्राइब करना। और कोई तुहाडे भी कोई होएगा कि किसी नूं वेट ज़्यादा होएगा तो वीडियो जरूर मेरी शेयर कर देना प्लीज़। ते हुण मैं तुहाडे नाल अपनी ना वेट लूज जर्नी शेयर करांगी कि मैनूं की मुश्किलां आईआं ते मैं किद्दां घट कीता, क्यों कीता, ये मैं तुहानूं सब दसूंगी। ते जी मैं तुहानूं दसदी हाँ, मैं अपना वेट जर्नी जो वेट लूज घट करन लगी सी ते मैं 2018 20 अप्रैल नूं मैं अपना वेट, उस दिन मैं अपना मन बनाया कि ठीक मैं हुण वेट लूज करना आ। मेरा फस्ट डे सी उस दिन कि जो जो मैं करना सी मैं अगे दस दी तुहानूं मैं की कीता सी। इस करके वह मेरा फस्ट डे सी 20 अप्रैल 2018 जो मैं अपना वेट लूज घट कर लगी सी, वो मेरा फस्ट दिन सी उस दिन। सब तो वड्डी गल आ कि पहले अपना मन बनाओ। जे तुहाडा मन नहीं ना तैयार हैगा कि नहीं आपां नहीं ये कर सकते, इदा नहीं कर सकते, आपां ये झूठ है, नहीं हो सकता वेट लूज, फिर तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक आ, सीधी गल आ। मैनूं कईआं ने मेरे वल वेख के पुछया कि तुसीं किद्दां वेट लूज कीता, मेरे रिश्तेदारां च ना आंढ गुआंढ किद्दां वेट लूज किया जी दसो। अगले वो सच नहीं मानते हैं, सूहां पवाते हैं तू मैडिसिन खाधी आ तां पतली हुई है, तू इन्नी पतली नहीं हो सकती। हुण तुसीं सोचो कि 85 kg मेरा वेट सी, 85 थोड़ा नहीं हुंदा, बहुत ज़्यादा हुंदा 85 kg। मेरी हाइट भी इन्नी नहीं आ, मेरी हाइट 5'3" आ, उहदे लई बहुत ज़्यादा 85 kg वेट। ते कुछ रिश्तेदार सच भी नहीं मानते भी इन्हें दवाई खाधी आ तां करके पतली हुई आ। ते मैं अपना वेट उ मैं तुम दस रही कि पहले अपना तुम अपना मन बनायो। जे मन बनावोगे तो क वेट घटेगा। जे तो मान लो तुम ठीक है मेरी गल सुन के 2 दिन कर लिया, तीजे दिन नहीं करोगे तो फिर तुहाडा वेट नहीं घटेगा। ठीक है, तो एक मेरी गल मैं पहले मैं तुम दस दी मैं मुश्किल की होंदिया सी जो मेरा वेट बहुत ज़्यादा सी। एक मुश्किल मैंने ये होंगी सी फस्ट कि मैं जो सवेरे उठती सी मेरा वेट इन्ना सी ना कि मैं जो सवेरे उठती सी मेरी अड्डियाँ जमीन नहीं लगदियाँ थले, इन्नियां दर्द होंदिया सी। मैं अपना थायरॉयड यूरिक एसिड सब चैक करा लिया, कुछ नहीं आया। कदे ना होंदिया सी मोटापे करके 85 थोड़ा kg थोड़ा वेट ज़्यादा नहीं, मतलब घट नहीं होंदा, बहुत ज़्यादा होंदा है। तो एक मैंने प्रॉब्लम वो होंगी सी कि जो मैं बैड तो नीचे उतर सी मेरी अड्डियाँ बहुत दर्द होंदिया सी। एक मैंने वाइट डिस्चार्ज लेडीज़ जो उन्होंने पता है बहुत ज़्यादा होंदा सी, बहुत मैडिसिन खाधी कोई फर्क नहीं पैंदा सी। और थर्ड प्रॉब्लम मैंने ये होंगी सी कि जो मैं बाथरूम करती सी जां गोड इस तरह पैरा भार बैठते पंजाबी विच बोलते हैं पैरा भार बैठती सी ना तो मेरे गोडे दर्द होंगे, मेरे को बाथरूम नहीं सी होंदा। मेरी एज कि नहीं सी उस टाइम 2 साल तो पहले 23, हूँ मेरी 25 है एज, इस टाइम 25 जा रहा मैं, उस टाइम मैं 23 सी 2 साल पहले 2020 है इस टाइम। आप हिसाब ला लो ये बुढ़ापे च जाके सारे प्रॉब्लम आती है कि गोडिया तो थले नहीं बैठा जाता बाथरूम करने वास्ते। पर मैं गल कह भी अपने होर तरह का होंडिया भी है ना, मेरे को बाथरूम नहीं हुंदा सी, ये भी गल सोच लो 23 एज कोई ज़्यादा नहीं आ, बहुत घट हुंदी आ 28-29 साल च है ना कई लड़कियां मैरिज करवाउंदियां। तो मेरा 23 च ये हाल हो गया सी कि मैं बाथरूम भी नहीं कर सकती सी। हुण मैं दस रही हाँ कि मेरा वेट किद्दां वधिया सी। मैं जो मेरी एंगेजमेंट हुई 2012 च उदो मेरा वेट सी 47 तो भी घट सी, बहुत पतली सी मैं। फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई, उस तो बाद मैं मैरिज तो थोड़ा टाइम पहले ठीक नहीं रही सी, कुछ हैल्थ इशू हो गए से मैनू, वो करके मैं हॉस्पिटल एडमिट रही। जो ड्रिप वगैरह ग्लूकोज लगते हैं इन्ने इंजैक्शन दवाइया उन्होंने मेरा थोड़ा शरीर ना फुलावट हो गया,
मेरा 68 के जी वेट हो गया। ब्याह जो तो मेरी मैरिज हुई उदो 68 के जी सी। 68 तो बाद मैरिज हो गई, मैं भी परवाह नहीं की भी मैरिज हो गई हूँ ना किन्ने वेखना सू इदा हो जाता ना भी की है ना हूँ कहड़ा कोई कोई गल आ जाते मैरिज होनी है ना किसी ने कहना कि वेट बहुत आ। हौली 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 मैं ध्यान नहीं दिता वेट वाल वाधा गया वाधा गया वाधा गया बहुत ज़्यादा वध गया फुल गया। मेरा पेट तो इंज लगता क्योंकि जिम्मे मैं प्रैगनेंसी होंगी है ना कई तो मैं इंज पुछते कि मंथ चलन डे तेन इदा भी कई पुछते जोड़े कोई मिलते दूर दराडे के थोड़े टाइम बाद। ठीक है मैं अपना वेट लूज स्टार्ट करना किया 20 अप्रैल 2018 में। उस दिन मैं अपना मन बना लिया भी मैं अपना वेट घट करना ही करना क्योंकि कितने भी रिश्तेदार के ब्याह च जाओ शादी च जाओ है ना तो लोग गल बोल करते अजे प्लेट मैं बाद पकौड़िया वाली फटती सी पर लोग पहले बोलन लग पाते अपना ढिड दे कि मोटी हो गई कि खाना बस कर अजे पर प्लेट ही फड़ी हो जाके क्यों मोटापा ही मेरे शरीर से इन्ना मैं खुद एड्डी मोटी लगती है ना लोगों को होना पर कि खाती होगी। ठीक है तो अगों तुम मैं दस नहीं है कि मैं वेट घटाने की किया तो गला से रिश्तेदार तुम पता करते ही है हूँ जे कहें कि बस कर बहुत पतली हो जानी आ ये हूँ सारे रिश्तेदार बाद कहते हैं ना पुछते बस कर इन्नी दवाई खाई जानी पतले होने की उन्होंने मैं दसदा कि मैं कोई पतले होने की दवाई नहीं खाधी मैं मेहनत की है तो मैं पतली हुई हाँ। ठीक है जी तो मैं मेहनत यह की कि मैं सवेरे उठती रही हाँ अगों तुम मैं दस दिनी हाँ कि मैं किया मैं कोई जिम नहीं गई मैं कोई दौड़ ला नहीं गई मैं कोई एक्सरसाइज नहीं की हैगी मैं नैचुरली अपना वेट घटाया ना मेरी कोई स्किन लूज हुई आ जिदा कि 25 kg वेट घट करना स्किन लूज हो जाती मेरी कोई स्किन लूज नहीं हुई मैं कोई मेडिसिन नहीं ली मैं कोई प्रोटीन कुछ नहीं लिया है। ठीक है मैं सवेरे उठती रही हूँ मैं ब्रश करना एक गिलास कोसा पानी लैना वो पीना चाह मैं सवेर की बंद कर दी सी अपनी मैं चाह नहीं पीती सी मैं फिर साडा उपरला पोर्शन मैं नहीं दिखाया हले वो जिने कमरे वह वरांडा वो गैलरिया मैं पार पैरा भार बैठ के पोचे लाती रही सी पैरा भार बैठा तो नहीं जाता सी बहुत मुश्किल सी कि जो बाथरूम नहीं मेरे को होंगे तो आपे सोलो बाथरूम नहीं होंगे मेरे गोडे दर्द होंगे अड्डिया दर्द होंगे जी तो फिर मैं पोचे कि ला सकती सी पर बहुत मुश्किल है ना कुछ की कहते पाने कुछ खोना पीता आ तो यो समझ लो बहुत मेहनत की मैं पोचे लाने सारे घर उपर वाले पोर्शन सारे च पोचे लाने अंदर च पैरा भार बैठ के स्टैंड वाला पोचा तुम बिल्कुल यूज नहीं करना जो वेट घट करना अपना पैरा भार पोचा लगाना। दूसरा मैं अपने चौल बंद कर दिते सी चौल मैं चौल बहुत खाती सी थोड़े नहीं खाती सी सवेरे रात जो लागे मैं तिने टाइम चौल जो पे फ्रिज च भी पे है ना पे होंगे चौल ठंडे वो भी खा लेने बहुत चौल खाते मैं एक मैं अपने चौल बिल्कुल बंद करते कि जी मैं चौलों तो बगैर कदम रह नहीं ना सकती मैं वो कुड़ी ही पर मैं चौल भी नहीं खाते बंद करते कि कुछ पाने लिए कुछ खोना पैंदा। ठीक है ना कि इन्ना लोगों का लोग मजाक उड़ाते रहे हैं तो लोग आप तो मजाक उड़ा के उड़ परे हो जाते हैं दूजे के दिल से की बीतती जो इन्नी चा ना तैयार होकर मैरिज देखने गया हो उत्थे प्लेट पकौड़िया नहीं फटते ही हले प्लेट फटते ही पकौड़े भी नहीं पाए होंगे पहले है ना कमेंट पास कर देने यह जे टिचकर कर देने अगले बंद तो फिर उत्थे खाने कुछ जी करता रहा सारा दिन। ठीक है ये बस उन्होंने सदके ही है कि उन्होंने इदा इन्ना गल्लां कीतियां है ना हर रिश्तेदार ने जो जाती रही हाँ लोगों ने तो मैं इतने इस टाइम पुजी हाँ तो उन्होंने शुक्र है वैसे धन्यवाद कर दी हाँ कि मैं इतने इस टाइम पुजी हाँ। चलो वो तो हूँ नहीं बोल रही चलो मैं अगर तुम दस दी हाँ दस दी हाँ फिर मैं पोचा लगाना सारे अंदर च पोचा लगाना उस तो बाद फिर मैं पीनी ग्रीन टी एक कप ग्रीन टी पीनी ग्रीन टी पी के फिर मेरा 11 बजे ब्रेकफास्ट होंगे जी ब्रेकफास्ट मैं बना लें रही हाँ दलिया ओट्स बना लेने मिठा मैं बिल्कुल बंद कर दिता सी ना मैं दुध में बना मैं तड़के वाले बना जे मैं ओट्स बनाने वो भी तड़के जे मैं दलिया बनाना वो भी तड़के तेल कि पाना एक अद्धा चम्मच छोटा जोड़ा हूँ साढ़े घर यूज़ होने वाला हूँ तेल चम्मच छोटा खाने वाला वो मैं तेल यूज़ करती रही हाँ। चीनी मैं बिल्कुल बंद करती चाह मैं बिल्कुल बंद करती चावल मैं बिल्कुल बंद करते रोटियां जिते मैं चार खाती सी कई बार पांच भी खा लेनियाँ उसकी जगह पर मैं दो करती हूँ स्टार्टिंग में मैं चार की चार तो तीन तीन तो दो तो फिर मैं एक खाती रही हूँ जो बहुत ज़्यादा भुख हुई फिर मैं दो रोटियां लेंदी रही हूँ। ठीक है ये सी होर मैं इस तो ज़्यादा कुछ नहीं किया कोई एक्सरसाइज नहीं की कोई दौड़ नहीं लगाई कोई जिम नहीं गई मैं कुछ नहीं किया बस मैं इन्नी डाइट फॉलो की इदा करना तो सब्जी मैं ज़्यादा लैनी फुलका भाई मैं एक ही लाव सब्जी जिदा हूँ साढ़े पिंड वे वे डूंगे ला लो कोले ला लो वे वे उन्होंने पा लैनी तो जे कोई सुक्की नाल बनी थोड़ी जी वह भी लै लैनी दाल मैं बनानी बनानी जरूर दाल खानी नाल नाल एक फुलका तो नाल सब्जी कोई सुक्की लै लैनी पानी मैं ज़्यादा पीना
पानी एक तुम गल याद रखियो, पानी हमेशा जे आप अपना वेट लूज करना चाहते कद फ्रिज का पानी ना पियो। मैंने 2 साल हो गए मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती। मैं रिश्तेदार जावा भाई मैं अपने पेके जावा जिथे मर्जी मैं पानी नॉर्मल पीनी हाँ। सिया गर्मियों में मैं फिल्टर का जो डायरैक्ट आन दिया कोसा कोसा वह पीना, तो जो सर्दियाँ आ गई मैं गर्म पानी करके वह पीनी हाँ। ठीक है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठंडे पानी ना सारे पंगे होंगे शरीर से। जो रोटी खाओगे तो ठंडा पानी पी लो, पी लियो देख लो कदे ताड़ी रोटी नहीं पचेगी। ये गल एक ये काम किया। ठीक है, जो तुम थोड़ी बहुत भुख लगती है तो सलाद कट के खा सकते हो। मैं सब तो ज़्यादा खीरा खाता, खीरा बहुत खाता मैं, तो खीरा ज़्यादा खाता सैलड में। चावल मैं बिल्कुल नहीं खाते, मैं तुम दस दिता है। जो दोपहर में तुम भुख लगती है तो दोपहर तुम जिदा फुलियाँ होंगे ना लून वाली छोटी छोटिया पिंड लोगों को पता होगा फुलियाँ, मैं वो रखी हुई सी मैं वह खा लेंदी सी। फिर शाम में जो भुख लगनी फिर सलाद कट के खा लिया। मिठा तो मैं बिल्कुल बंद कर दिता सी। रात की रोटी में मैं सिर्फ एक फुलका खाना, चौल तो मैं बंद किए हुए सी अपने, इको रोटी खानी बस। इन्ना का मेरा डाइट प्लैन आ। तो जे दही मैं खाती रही हाँ, दही में मैं चीनी नहीं पानी, मैं पाना ब्लैक नमक, ब्लैक लून काला लून तो काली मिर्च पीसी हुई, तो जीरा। जीरा बहुत वधिया सेहत लई, बहुत ज़्यादा वधिया है कि साढ़े शरीर में है ना वेट में कंट्रोल रखता। वो एक जीरा पा लिया पा लेना बस। होर मैं तुम्हें यह दसदा मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कि डॉक्टर के कोल नहीं गई अपना डाइट डाइट चार्ट जो भी कहते हैं डाइट चार्ट बनवाने वास्ते। मैं जो भी किया अपने मन तो जो मैं चंगा लगा मैं उस हिसाब ने किया। ठीक आ, एक गल आ मेरे हाबी ने मैनू कदे नहीं किया कि तू बहुत मोटी है, उन्होंने अज तक भी नहीं कहा। मैंने अजे भी कहते पास कर हूँ तो वैसे मैं नहीं करती हैगी, मैं डाइट नहीं करती हैगी। जो मैंने चंगा लगता मैं थोड़ा बहुत खानी, ज़्यादा नहीं खाती हैगी। ना ही मेरे माँ प्यो ने कहते कहा कि मम्मी डैडी ने कि तू मोटी है। ठीक है जी, तो बस इन्नी कु गल तुम ध्यान रखनी है कि चौल नहीं खाने। एक फ्राई चीज़, फ्राई चीज़ मैं 2 साल बिल्कुल नहीं खाधी, ना मैं चौल खाधे 2 साल बिल्कुल नहीं। हाले भी मैं बहुत घट कदे मानो नमकीन चौल मेरे बहुत फेवरेट है, कदे महीने में थोड़े जे खा ला इन्ने क स्वाद तौर पर बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक मैं चौल नहीं खाती रही, एक मैं फ्राई चीज़ तो बिल्कुल नहीं, तो चीनी बिल्कुल नहीं। हूँ मैं चाह चू पीन लग पी हाँ, वेट ठीक है, मैं लगता भी इन्ना ठीक है, बैलेंस रखागी। मैं वधन नहीं देना, तो घट जाए भाए मैं वधन नहीं दिंदी, बहुत मुश्किल ना घटाया मैं कोई 85 तो 59 तक आना, बहुत वड्डी गल आ। तो ठीक है जी, जेकर तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगी तो मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कर देना, तो तुहाडा मेरे वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जे कोई तुहाडी फैमिली च फ्रेंड सर्कल च कोई है ना किसी मोटापा आया।